वेलकम टू रियल एस्टेट का रियल ज्ञान विद प्रॉप ज्ञानी गिरीश शलवानी. टुडे आई एम विद चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ भैरव ग्रुप विच इज़ बीन एस्टैब्लिश्ड इन मुंबई फॉर लास्ट 50 years एंड दे हैव बीन इन टू रियल एस्टेट फॉर 24 years नाउ. कम्प्लीटेड ओवर 7+ प्रोजेक्ट्स एंड ऑलरेडी 1,000,000+ स्क्वायर फीट डिलीवर्ड टिल नाउ. सो लेट्स हैव अ कॉन्वर्जेशन विद द चेयरमैन मिस्टर मदन जैन and understand his journey in real estate and how he was able to reach to this success. He is also a president of CREDA MCHI Navi Mumbai unit. Let's understand the advantage and benefit, how he was able to encash all the connection and network that he was able to establish with Bhairav Group and with CREDA MCHI for last 50 odd years. Thank you for coming, sir. Thank you, Mr. Girish. सर बोलते हैं कि मतलब मूवी आई थी एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, हम सब ने वो मूवी देखी थी और मेरे को ऐसा लगता है आधे से ज़्यादा डेवलपर भी एक्सीडेंटल डेवलपर होते हैं. सो वांटेड टू अंडरस्टैंड कि आप भी किधर एक्सीडेंटल डेवलपर तो नहीं हो, क्योंकि होता क्या है कि ज़्यादा करके ज्वेलर्स टेक्सटाइल वाले ये सब डेवलपर के पास इन्वेस्टमेंट करते थे पहले. राइट. डेवलपर या तो डिलीवरी नहीं दे पाता था या पैसा नहीं दे पाता था तो प्रोजेक्ट जेवी में कर लिया एंड दैट्स हाउ मोस्ट ऑफ द जर्नी स्टार्टेड. राइट. तो कहीं आपकी भी तो जर्नी वैसे चालू नहीं हुई है? आई थिंक योर गेस इज राइट. इट इज हैपेंड लाइक दैट. आई यू टू बी मेकिंग इन्वेस्टमेंट इन नवी मुंबई विद सम डेवलपर्स. ओके. एंड अल्टीमेटली अ फेज केम व्हेन दोज प्रोजेक्ट्स वेर नॉट मूविंग फर्दर. सो वन ऑफ माई, ऑफ कोर्स दे वेर ऑल गुड पीपल, सो दे टोल्ड मी कि सर इसके आगे का फंडिंग आप करिए और आप ही पीरियड पूरा करिए, मेरा प्रॉफिट आप मेरे को दे देना. एंड लाइक दैट इट स्टार्टेड द बिगिनिंग. अच्छा. सो बट आई एन्जॉयड द व्हाट इज ए रियल एस्टेट लाइन. द रीजन बींग कि भाई हम आज एक घर की समस्या जो लोगों की है वो हम बड़े वे में पूरी करेंगे एंड दिस इंडस्ट्री नीडेड गुड पीपल, कमिटेड पीपल. सर घर की समस्या के साथ साथ अपना भी बड़ा पैसा बनाएंगे. यस. देखिए कोई भी एक्टिविटी करेंगे तो आप पैसा कमाएंगे, दैट इज वन थिंग, लेकिन एट द सेम टाइम इट शुड गिव यू सेटिस्फेक्शन ऑल्सो. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. सो बीइंग जैन एंड आई एम ए स्टॉन्च जैन, सो आई हैड अ डिजायर कि मुझे भी अपना एक टेम्पल बनाना है. ओके. सो दैट वॉज वन ऑफ द बेसिक थिंग इन माई माइंड कि चलो मैं रियल इस्टेट में जाता हूँ और मैं भी एक टेम्पल अपने कॉम्प्लेक्स में बनाऊँगा. उससे जो मेरी फेथ है, मेरी बिलीफ है, वो और भी स्ट्रेंथन होंगी और लोग इसे रेस्पॉन्ड करेंगे. और मैंने सोसाइटी में काफ़ी सारे सोशल वर्क भी किए हैं तो उससे लोग अच्छी तरह से रेस्पॉन्ड करेंगे एंड आई विल बी हैप्पी ऑन दैट. इट विल गिव मी सेटिस्फैक्शन, दैट वाज द मेन थिंग. एंड सेकंड पॉइंट ये भी था कि मुझे अपने चॉइस का, अपने डिजायर का एक घर बनाना है तो जो मैं अपने ही प्रोजेक्ट में कर सकता हूँ. क्योंकि मैं किसी डेवलपर से अगर अपना कोई भी घर खरीदूंगा उसमें ऑल्ट्रेशन करना तो इम्पॉसिबल होता है और फिर मुझे मेरी जैसी चीज़ चाहिए वैसे बनाना, डे वन से लेके फाउंडेशन, उसमें जो जो भी रिक्वायरमेंट है फाउंडेशन से लेकर के सारी चीज़ें मैं अपने ढंग से बनाऊँ. उसके लिए अगर मेरा प्रोजेक्ट होगा तो ये मेरी ड्रीम विजुअलाइज हो जाएंगी. एंड दैट विद दैट इंटेंशन मैंने प्रोजेक्ट पहले एक प्रोजेक्ट लिया था एंड विद दैट सक्सेस सम टाइम इन अराउंड 2003 एक टेक्सटाइल मिल का ऑक्शन हो रहा था गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र से एंड आई वॉज द auction procedure of that textile mill and I was fortunate that there were so many very large players in that bid also. Sir, उसके बारे में तो मैंने बहुत डिटेल में रिसर्च किया, मतलब वो एक आपस खुद में ही एक केस स्टडी है. नो डाउट 2003-2004 का ये ऑक्शन था, मैं तो तभी बहुत छोटा था. बट सिंस हम लोग ये पॉडकास्ट करने वाले थे तो मैंने रिसर्च किया इसके ऊपर. सो ये बिडिंग के टाइम पे, ये ऑक्शन के टाइम पे आपने बड़े बड़े डेवलपर टू बी नेम गुंडेचा, गोदरेज, लोखंड वाला, इन सब लोगों को आउटबिड कर दिया और ये सब राह देख रहे थे. इवन रहेजा वाज देयर, कल्पतरु जो है देयर. ओके. और ये सब राह देख रहे थे कि आप कब फेल होए, क्योंकि इनका एक स्टेटमेंट बहुत क्लियर था वो ऑक्शन के टाइम पे, वो बिडिंग के टाइम पे, कि जो आपने प्राइस रखा था बिडिंग का वो बहुत ज़्यादा रखा था और वो फिजिबल नहीं हो रहा था. राइट. सो आपने क्या सोचा और क्या विजन था, क्योंकि भले आपके लिए शायद रियल इस्टेट नया होगा बट भैरव इज 50 years ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन और एक विजन लेके चलता है जो भी प्रमोटर चलता है. True. तो उस टाइम पे आपका क्या एक्सपीरियंस था? ऐसा था कि मुझे उस प्रोजेक्ट को, मुझे आई लाइक दैट प्रोजेक्ट, कि मुझे ये प्रोजेक्ट करना है
इसके लिए मैंने सोचा कि कोई भी डेवलपर 20% के नीचे अपना प्रॉफिट नहीं करेगा, और अगर 20% नहीं, मैं सोचूँ कि चलो एटलीस्ट 10% में भी करे तो एक फेयर मार्केट वैल्यू उस पर्टिकुलर प्लॉट की 18 से 20 करोड़ रुपए होने चाहिए थे। मैंने कहा अगर 20 करोड़ में 10% भी 2 करोड़ होता है तो माय डिजायर वॉज कि चलो मैं 2 करोड़ नहीं, मैं 2.5 करोड़ भी मिलेंगे तो आई विल बी हैप्पी। तो विद दैट इंटेंशन, और वो पर्टिकुलर वो जो ऑक्शन था, ऑक्शन का प्रोसीजर जो था, दैट वॉज समथिंग वेरी यूनिक प्रोसीजर, जिसमें उन्होंने आई थिंक इट हैपेंड फॉर द फर्स्ट टाइम ओनली एट दैट टाइम के ओपन बिड हुआ करती थी। बिड ओपन होने के बाद में यू हैव टू इंक्रीज बाय 25 लैक्स इफ़ यू वांट टू। ओके, और मैंने ये सोचा कि जो भी लास्ट बिड करेगा उसने अपने कैलकुलेशन किए हुए थे, मैं 25 लाख ज़्यादा दूंगा तो इसका मतलब मैं 25 लाख कम कमा रहा हूँ, एंड आई विल बी हैप्पी विद दैट। सो विद दैट इंटेंशन, जब तक वो लास्ट वाला बढ़ रहा है मैं उससे और आगे बढ़ रहा हूँ 25 लाख रुपये, क्योंकि लास्ट वाले अपने कैलकुलेशन किए हुए हैं। करेक्ट, और मुझे उसकी नॉलेज नहीं, मैंने कैलकुलेशन नहीं किए। मैं एक यही देख रहा हूँ कि 25 लाख में बढ़ाने में मैं 25 लाख कम ही कमाने वाला ना उससे, तो इतने बड़े बड़े प्लेयर हैं, इतने बड़े बड़े प्लेयर हैं तो मैं उनसे 25 लाख कम कमाऊँ, दैट इज फाइन। तो इसको बोलते हैं दूसरे की स्ट्रेटेजी पे राइड करना। मतलब जिसने 25-50 साल का एक्सपीरियंस के बाद एक स्ट्रेटेजी बनाई, फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाई कि मैं इसमें से 2 करोड़ रुपए कमाने वाला हूं, इन्होंने बहुत सिंपल कैलकुलेशन कर दिया कि मेरे को तो 25 लाख ही कमाना है, मैं उतना टाइम स्पेंड क्यों करूं उसके ऊपर। दैट्स ग्रेट। बट इसके साथ ही साथ जो डिफिकल्टी आई और उसकी वजह से प्रोजेक्ट डिले हुआ, कंस्ट्रक्शन में थोड़ा डिले आया, उसका आपको बेनिफिट हुआ, और मेरे को जहाँ तक पता है कि ये आपस में केस स्टडी बन गया था। मतलब इसी के चक्कर में पूरा पॉलिसी, मतलब मिल के ऊपर क्या क्या परमिशंस लगती है, क्या FSI होना चाहिए, वो आपके वजह से ही, आपके वो परचेज की वजह से ही पूरी पॉलिसी डिज़ाइन हुई थी। ऐसा है कि जब ये प्रोजेक्ट मैंने लिया था, इट वॉज फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र डिवीजन जो था, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, दैट मिल बिलोंग टू देम। सो उन्होंने हमें एज इज वेयर इज मिल दिया था, जिसमें उनके पुराने स्ट्रक्चर थे, इवन लेबर के इश्यूज उनके, ऑफ कोर्स दे हैव कमिटेड के दे विल रिजॉल्व, दे हैव रिजॉल्व, उसमें कोई बात नहीं थी। तो वो सब उनकी लायबिलिटी थी, एंड सिंस आई वाज टेकिंग फ्रॉम अ गवर्नमेंट, अब आई कॉन्फिडेंट कि कोई मैं गवर्नमेंट से डील करूँ तो मुझे गवर्नमेंट मेरे साथ में धोखा नहीं कर सकती। किसी और पर्सन से करूँ तो देर इज सम रिस्क एलिमेंट होती है, तो इसमें गवर्नमेंट को रिस्क एलिमेंट नहीं है। सो दैट वॉज वन कॉन्फिडेंस विच आई हैड, एंड सेकेंडली मुझे कोई डिफिकल्टी कोई नहीं आई। ऑन द कॉन्ट्री, एज आई टोल्ड यू कि आई वॉज द फर्स्ट प्रोसीजर ऑफ वन ऑफ द इंडिया टेक्सटाइल मिल, इवन आई वुड से के लोडाज केम 18 मंथ्स आफ्टर मी। ओके, आई हैव परचेज द मिल टू बी वेरी प्रिसाइज इन January 2003 एंड दे हैव परचेज इन July 2004। सो लोडाज बिकेम वेरी बिग, बट दे केम 18 मंथ्स आफ्टर दैट, आफ्टर माई परचेज। और तब तक मेरा काफ़ी सारा काम हो चुका था, और वो जो बाद में लिटिगेशन जो हुए थे वो और किसी वजह से हुए थे कि भी नेशनल टेक्सटाइल कॉरपोरेशन जब उन्होंने मिल की ऑप्शन शुरू किया था, उन्होंने FSI में कन्वर्ट करके पॉलिसी चेंज की थी, और उसके हिसाब से कुछ एग्रीड डेवलपर जिनको प्रोजेक्ट नहीं मिला होगा या जो टेक्सटाइल ऑप्शन में नहीं मिली होंगी, तो उन्होंने गवर्नमेंट को ये कहा कि आपको FSI के से क्या मतलब, आप एज इज वेल में मिल बिकी, जो पहली मिल बिकी है वो भी वैसे ही बिकी है, आप भी हमको उसी तरह से दीजिए। तो उसमें दो डेवलपर आई नो द नेम, उनके आपस में टसल हुई, एंड दैट लेड टू कॉम्प्लिकेशंस एंड लिटिगेशंस। सो दैट वाज नॉट अफेक्टिंग मी, मेरा तो हालांकि मेरे पास फुल CC थी, और जब सुप्रीम कोर्ट ने एक टाइम ऐसी भी कि सुप्रीम कोर्ट ने सारे मिल के डेवलपमेंट पे स्टे दे दिया था, बट आई वॉज अच्छा वो स्टे इस तरह से था कि इफ़ यू रीड इट माइन्यूटली वो मेरे पर भी लागू होता है, बिकॉज इट वॉज ऑल टेक्सटाइल मिल एंड आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ दैट। बट मैंने तब तक अपना कंस्ट्रक्शन काफ़ी आगे भी बढ़ा लिया था, और मुझे उसमें कोई दिक्कत ही नहीं, और मैं सोचा मेरे पास फुल CC है, अब मुझे किसी ने लिखा नहीं है तो मेरे को क्यों अपना काम रोकना चाहिए। बट इफ़ यू रीड द ऑर्डर माइन्यूटली तो इट वॉज एप्लीकेबल टू ऑल टेक्सटाइल मिल, लेकिन एनीवे मैं मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं आई, और डिले भी ऐसे कोई नहीं हुआ है। सर, गवर्नमेंट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल, मतलब हर एक पॉलिसीज गवर्नमेंट बनाती है, तो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है गवर्नमेंट का। करेक्ट, और आपने बहुत अच्छा ये टॉपिक निकाला है कि अचानक से बीच में पॉलिसी आ गई, स्टे आ गया, और ये बाकी सब इंडस्ट्रीज़ में भी होता है, बट रियल इस्टेट में जब होता है तो रियल इस्टेट में इसका जो मार पड़ती है डेवलपर को, जो पेन होता है डेवलपर को, बहुत बड़ा पेन होता है। मतलब
ये तो आप बहुत पुरानी बात बता रहे हो. आई वॉज ऑल्सो एसोसिएटेड विद भैरव इन 2015. तो कोविड के टाइम पे या प्री कोविड मेरे को बहुत अच्छे से याद है, आई वॉज डूइंग कपल ऑफ असाइनमेंट इन नवी मुंबई ऑल्सो. करेक्ट. तो उधर भी कुछ तो यूडीआई का कुछ तो पॉलिसी चेंज आया था, कुछ आया था जिसकी वजह से बहुत सारे डेवलपर्स को उधर तकलीफ आई थी. या सही बात है कि गवर्नमेंट ने जस्ट प्रायर टू इलेक्शन दे अनाउंस की 4000 मीटर के ऊपर के प्लॉट पर आपको ईडब्ल्यूएस कंपलसरी बनाना पड़ेगा. जबकि मैं अपने केस की बात करूं तो मैंने गवर्नमेंट से सिडको से जो प्लॉट लिया था टेंडर में, और मेरे टेंडर के प्लॉट में एग्रीमेंट हो चुके थे, पजेशन हो चुका था, पेमेंट हो चुका था, स्टैम्प ड्यूटी वगैरह सारी कुछ हो चुकी थी. उसके बाद में भी प्लेन रेडिंग पे एक उसका इंटरप्रेट ये हो रहा था कि 4000 मीटर के ऊपर का प्लॉट है और सीसी अभी तक इशू होने ही बाकी है, तो आपको भी एप्लीकेबल होगा. वेरेज व्हेन आई कंसल्टेड सम ऑफ माय व्हाट इज ए एडवोकेट्स, तो दे कैटेगरी टोल्ड मी कि मिस्टर जैन आपके केस में मतलब ये रूल सही गलत पे मैं नहीं जाता हूँ, इवन इफ सही है लेकिन आपके केस में लागू नहीं होगा, क्योंकि एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वंस दे हैव व्हाट इज ए यू आर ए सक्सेसफुल बिडर एंड यू हैव पेड द मनी, करेक्ट, देन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एप्लीकेबल टू बोथ द पार्टी इरेस्पेक्टिव विदर इट इज गवर्नमेंट और एनीवन एल्स, तो आपके ऊपर ये लागू नहीं होगा. बट सम ऑफ द अदर उसमें लिटिगेशन मुझे करना पड़ा और अल्टीमेटली कोर्ट ने ज़्यादा टाइम ले लिया, और कोर्ट ने जब टाइम लिया और डिसीजन नहीं हो रहा था तो उस टाइम पर मैंने ईडब्ल्यूएस को अकोमोडेट करते हुए अपनी प्लानिंग को चेंज किया और फिर मैंने अप्रूवल लिया और मैंने अपना काम आगे बढ़ाया. अभी ये सब की वजह से जो डिले होता है, बहुत बार कंज्यूमर अगर मैं पकड़ूँ तो कंज्यूमर को ये सब का नॉलेज भी नहीं रहता है. करेक्ट. सब अपने लाइफ में बिजी है, मतलब बाजू वाले घर में क्या चल रहा है उनको वही नहीं पता है. correct, तो अपने प्रोजेक्ट में क्या चल रहा है, पॉलिसी क्या चल रही है, चेंज हो रही है, वो तो बिल्कुल नहीं पता है. तो इस वजह से प्रोजेक्ट जब डिले होता है और जब डेवलपर को इसका पिंच होता है तो बहुत बार प्रोजेक्ट अटक जाता है, बहुत बार प्रोजेक्ट लॉस में या तो डेवलपर छोड़ देता है या तो फिर किसी को मतलब एग्जिट कर लेता है और किसी के साथ जेवी करता है. आपके साथ ये एक्सपीरियंस हुआ है? नहीं, मेरे साथ में ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ, लेकिन इतने बात पक्की है कि जब कोविड आ गया तो जिन लोगों ने मेरे से घर लिए थे और उनकी ईएमआई मतलब उन्होंने जहाँ से भी होम लोन ली थी वो कंपनियाँ, एक क्राइसिस आई थी 2018 सितंबर में, कुछ फाइनेंशियल इश्यू की कोई क्राइसिस आई थी, तो मेरे जो लेंडर थे उनसे कनेक्टेड थे, तो उन्होंने उन फ्लैट ओनर्स को जिन्होंने परचेज किया उनको ईएमआई के पैसे देना बंद कर दिया, मतलब okay. उनको सॉरी नॉट ईएमआई इंस्टॉलमेंट देना. तो मैं अपना प्रोजेक्ट आगे बढ़ा रहा हूँ और मुझे कस्टमर से पैसे आएंगे नहीं तो कैसे करना है फिर? और फिर मुझे टाइमलाइन भी मीट करनी है, तो ये दोनों चैलेंज मैं कैसे कर सकता हूँ? मतलब ये तो ऐसे हुआ कि आपके मैं पैर बांध दूँ और फिर बोलूँगा आप दौड़ते नहीं रहे हो. तो अगर मुझे वो पैसे नहीं दे रहे हैं, मेरे फ्लैट बिक चुके हैं, सब्सटेंशियल फ्लैट बिके हुए थे, जिन फ्लैटों को बेचा है, मेरा कंस्ट्रक्शन आगे बढ़ता है, इंस्टॉलमेंट की डिमांड जाती है, एंड दे आर नॉट रिलीजिंग द फंड. इफ दे आर नॉट रिलीजिंग द फंड तो डिले किसको मैं एट्रीब्यूट करूँ? तो ऑब्वियसली आपने ओवरकम कैसे किया सिचुएशन को? ओवरकम ऐसे देखो तो ओवरकम तो नहीं हुआ, फिर मुझे कुछ इन्वेस्टर्स को फ्लैट देने पड़े और फिर उनसे मैंने कोई डिस्काउंटेड रेट में कुछ फ्लैट दिए और उसके बाद में फिर प्रोजेक्ट मैंने आगे बढ़ाया, लेकिन अल्टीमेटली मुझे लोन को दूसरे इंस्टीट्यूट को शिफ्ट करनी पड़ी. और उसके बाद में फिर तुरंत कोरोना भी आ गया, तो कोरोना आ गया तो कोरोना के हिसाब से एक डेढ़ साल का जो भी एक्सटेंशन जो एडिशनल मिल गया तो उसमें मैंने टाइम रिकवर हुआ. फिर भी प्रोजेक्ट ऑफ कोर्स थोड़ा लेट हुआ, और अभी जब रेरा आ गया उसके बाद में, रेरा इज ऑफ कोर्स इट इज़ वेरी गुड. रेरा अगर 10 साल या 15 साल पहले आ गया होता तो इंडस्ट्री इतनी सफ़र नहीं करती जो एक्चुअली की हुई. तो रेरा के कॉम्प्लाइंसेस के हिसाब से ऑब्वियसली कस्टमर तो मेरे पे क्लेम करेंगे ये आपका डिले है, तो मेरा डिले है तो फिर ऑब्वियसली दे विल बी व्हाट इज ए सीकिंग कॉम्पेंसेशन. तो हमने किसी न किसी तरह से कस्टमर को कन्विंस करके मतलब एक अमाइकेबल वे में, कस्टमर जैसे हम कहते हैं कस्टमर गॉड होता है, तो हमने कस्टमर के साथ में अमाइकेबल सेटलमेंट करके एक सबके साथ में एक कॉम्प्रोमाइज वाला फॉर्मूला लिया भाई कि ठीक है दोनों के लिए विन विन हो गए और हमने प्रोजेक्ट को पूरा कम्प्लीट किया. और सर एक टफ सवाल है, थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल भी है, मतलब 2003 में जब आपने लैंड खरीदा तभी भी एक इशू फेस किया आपने. yes. और मतलब भले आपने प्रॉफिटेबिलिटी कम रखी, 10% ही रखी, बट बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी यू हैड फेस्ड इशू. सेम इशू यू फेस्ड एट गोल्डक्रेस्ट घनसोली में भी बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज. कोविड तो चलो ठीक है, सब लोगों ने सफर किया, वो तो पूरे वर्ल्ड ओवर सफर हुआ, बट बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज यू फेस्ड इशू. अब सवाल
ये दोनों में पैसा कितना भरा है? पैसा कितना बनाया? देखो पैसा इसके हिसाब से तो नहीं बना, लेकिन जो मार्केट फोर्सेस से जो रेट बढ़े तो मैंने जैसा कहते हैं कि वर्क काम करने से पैसा बनता है उससे उसमें तो लॉस हुआ विल पुट इट डेट वे, लेकिन साथ साथ में जो कॉस्ट प्राइसेस बढ़ गई प्रॉपर्टीज की उसमें फ़ायदा हुआ, तो ओवरऑल अब मैं फ़ायदे में ही रहा आई विल पुट इट डेट वे, लेकिन फ़ायदा प्रॉफिट का लॉस हुआ आई विल पुट इट डेट वे, लॉस नहीं हुआ प्रॉफिट का लॉस हुआ, प्रॉफिट का लॉस हुआ। अगर मैंने 100 रुपये कमाए थे मेरे हाथ में 100 नहीं रहे 40 ही रहे तो 60 रुपये प्रॉफिट से चले गए। तो पहला बार मार खाने के बाद यू स्टिल कंटिन्यूड इन रियल एस्टेट, दूसरी बार मार खाने के बाद, और ये बड़ी मार है, मतलब 500-600 करोड़ के प्रोजेक्ट्स होते हैं। True, सही बात है। यू स्टिल एस्पायर टू कंटिन्यू इन रियल एस्टेट? डेफिनेटली, क्योंकि रियल एस्टेट मैं समझता हूँ कि कोई भी डेवलपर, मैं नहीं कोई भी डेवलपर, अगर वो सिंसियर है ऑनेस्ट है तो इट इज़ डेफिनेटली गुड लाइन। एंड लोगों के घर के सपने जब आप पूरे करते हैं, एक आदमी जब अपनी पूरी ज़िंदगी की कमाई या बहुत केसेस में आप देखें भाई ग्रैंडफादर ने फ्लैट लिया हुआ है, ग्रैंडसन उसी में रहते हैं, करेक्ट, तो जो लाइफ टाइम के जो डिसीजंस होते हैं, तो उस तरह से मैं सोच रहा हूँ कि भाई कि जब मैं व्हेन माय कंपनी हैज गॉट ए पॉलिसी भी हमको ऑनेस्टी से काम करना है, इंटीग्रिटी से काम करना है एंड कस्टमर शुड बी हैप्पी, तो ऑब्वियसली आई फील कि इट इज़ वन ऑफ द गुड थिंग। और घर की रिक्वायरमेंट डे बाय डे बढ़ने वाली है और बढ़ेंगी, जैसे पहले घर की पहले लोगों को घर चाहिए थे, अभी सिर्फ घर नहीं थी एमिनिटीज चाहिए, एमिनिटीज है, और एमिनिटीज भी क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये मेरा मानना है कि अगर मैं 500 रुपये या 1000 रुपये कस्टमर कॉस्ट मैं एडिशनल करके भी मैं कस्टमर को सेटिस्फाई करता हूँ तो इट गिव्स मी अ गुडविल, और अगर मैं 1000 रुपये एक्स्ट्रा खर्चा करके अच्छा प्रोडक्ट देता हूँ तो मैं 2000 रुपये ज़्यादा उससे ले भी सकता हूँ। ये आपने भी आपको भी पता होगा कि जो अच्छे ब्रांड हैं वो उसके बगल में जो लॉन्च हुआ उससे अपना रेट बहुत ही अलग रखेंगे और स्टिल दे आर सक्सेसफुल, उनके यहाँ पे क्यों लगती है, तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन, तो आई एम रियली हैप्पी ऑन दैट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सो इट्स गुड दैट आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टॉकिंग टू मिस्टर मदन जैन। मैं हमेशा बोलता हूँ कि हर सुबह एक नई शर्त लेकर आती है और हर शाम एक नया तजुर्बा लेकर आती है, तो इनके पास तो 50 साल का तजुर्बा है। सर अभी मार्केट थोड़ा एक अलग डायरेक्शन में जाना चालू हो गया है। आई वॉज डूइंग योर प्रोजेक्ट इन 2015, आई वॉज फॉर्चुनेट कि लोधा के बाद मेरा पहला असाइनमेंट घनसोली में भैरव के साथ था और वो प्रोजेक्ट बहुत सक्सेसफुली हमने लॉन्च किया था। करेक्ट, मेरे को जहाँ तक याद है 1.5 महीने के अंदर हमने कुछ 150 odd यूनिट्स सेल किए थे अपन ने। वो टाइम था जब सेल्स का वॉल्यूम और मार्केटिंग का कम कॉस्ट, मेरे को याद है अपन ने खाली सीपी मीट किया था, कोई मार्केटिंग नहीं की थी हमने। आज मार्केटिंग कॉस्ट हैज़ इंक्रीज्ड, मतलब वो 10% जो आप प्रॉफिटेबिलिटी बात कर रहे हो आज कहाँ ना कहाँ पे 10% तो खाली ऑपरेशन मार्केटिंग सेल्स कॉस्ट आ जा रहा है, तो मार्जिन बहुत थिन होते जा रहे हैं। सही बात है। तो डू यू फोरसी कि रियल इस्टेट इस तरीके से और चलेगा, मतलब पॉलिसीज एक जगह पे टाइट की जा रही है, खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, मैन पावर कॉस्ट बढ़ते जा रहे हैं, ऑपरेशनल कॉस्ट बढ़ते जा रहे हैं, प्रीमियम कॉस्ट बढ़ते जा रहे हैं, तो ये महंगाई जिस हिसाब से बढ़ रही है और प्राइस उस हिसाब से नहीं बढ़ रहे, तो मार्जिन बहुत कम बच गया है। सो डू यू फोरसी कि आगे ऑल डेवलपर्स विल कंटिन्यू डूइंग मेकिंग बिल्डिंग्स, कि सारे बड़े प्लेयर्स रह जाएंगे जो मार्केट से 30-40% ज़्यादा प्रीमियम चार्ज करते हैं? टू सम एक्सटेंट यू मे बी राइट, क्योंकि कॉम्प्लाइंसेस एक ऐसी चीज़ है जो गवर्नमेंट ने इम्पोज की है, तो उसमें जो ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर है वो टिकेंगे, इसमें कोई दो बात नहीं, उनका कॉस्ट बढ़ेगा तो दे विल बी चार्जिंग यू मोर एंड कस्टमर विल बी हैप्पी टू पे यू मोर ऑल्सो, क्योंकि होम लोन की जो सुविधा जो सबको मिल रही है, चाहे घर होवे या ऑफिस के लिए भी, 15 साल की, 20 साल की, 25 साल की, 30 साल की भी, अगर यंग एज में आप हैं तो 30 साल की भी EMI ले सकते हैं। तो जो आप रेंट देते हैं वो वही रेंट आपने बैंक को दिया और प्रॉपर्टी आपकी अपनी होती है, प्रॉपर्टी अप्रिशिएट भी होती है, तो अप्रिशिएशन आपको मिलता है, सेटिस्फेक्शन मिलता है कि ये चीज़ मेरी है, वो एक जो बॉदरेशन होता है कि मुझे 1 साल के बाद में फिर घर चेंज करना पड़ेगा, ऑफिस चेंज करना पड़ेगा, बॉदरेशन नहीं होता है। तो विद डैट थिंग एक असेट्स जो अपने इंडियन कल्चर में है कि भाई आपकी असेट है, तो वो एक सेटिस्फेक्शन मिलता है, उसके हिसाब से घर की डिमांड रहेंगी, उसमें कोई दो बात नहीं है। टू बी वेरी प्रिसाइज, तो आज ऐसे हो रहा है कि जो लोग जिसको भी घर खरीदना है उनको नई बिल्डिंग में ही लेना है, दैट इज वन, और सेकेंडली पुराने बिल्डिंग के घर नहीं बिकते हैं।
और वो भी काफ़ी डिस्काउंट रेट में बेचने पड़ते हैं, तो ऑब्वियसली वो तो कस्टमर का लुकआउट है, लेकिन फिर पुराने बिल्डिंगों में तो आज की तक में अमेनिटीज, और दूसरी बात अभी जो न्यू जनरेशन आ रही है उनको अमेनिटीज चाहिए, ऑब्वियसली उनकी ग्रोथ, उनकी मेंटल ग्रोथ भी, प्ले एरिया है और क्या फैसिलिटीज हैं, सो मेनी थिंग्स आर देयर। सो उसके हिसाब से डे बाई डे जैसे नए नए रिनोवेशंस होते हैं उसके हिसाब से घरों की डिमांड, जैसे कोई एक प्रोजेक्ट आएंगे और मान लो कि आप भी एक अच्छे घर में रहते हैं लेकिन दूसरे प्रोजेक्ट में बहुत एक्सक्लूसिव है मेरे डीजे, तो आप बोलेंगे नहीं नहीं चलो मैं इसकी जगह मोल ले लेता हूँ, देखा देखी तो होती है वैसे भी, होता ही है। और फिर इन्वेस्टमेंट है, जैसे मैंने कहा इंडियन कल्चर में, इंडियन कल्चर इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करता है, गोल्ड में करता है, प्रॉपर्टीज में करता है, दो चीज़ों में इन्वेस्टमेंट होती है, और ये इन्वेस्टमेंट ऐसे हैं कि कोई आपका चुरा के नहीं ले के जा सकता है, उसकी वैल्यूएशन कम या ज़्यादा हो सकती है, गोल्ड फिर भी कोई चुरा सकता है लेकिन आपका घर कोई उठा के चुराएगा नहीं, आपने 1000 फुट का फ्लैट दिया तो कभी 990 होने वाला नहीं है, अनलेस यू बाय विद द राइट डेवलपर। हाँ वो तो बिल्कुल है, दैट इज देयर, दैट इज देयर, दैट इज वेरी। और फिर साथ में गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है इंडस्ट्री को कि जब भी ऐसी क्राइसिस आई है तो उन्होंने कभी स्टैम्प ड्यूटी कम कर ली है, कभी प्रीमियम में रिलैक्सेशन दिया है, डिस्काउंट दिए हैं, तो गवर्नमेंट भी इंडस्ट्री के अलग अलग समय पर इंडस्ट्री को सपोर्ट कर रही है, आई विल पुट इट दैट वे। और जो प्राइम मिनिस्टर का विजन है कि हाउसेस फॉर ऑल, तो डेफिनेटली गवर्नमेंट भी उस डायरेक्शन में पॉजिटिव वे में सोच रही है कि हर एक को घर अपने सर पे पक्का घर होना चाहिए, तो उसके हिसाब से गवर्नमेंट इज ऑल्सो फॉर दैट। ऑब्वियसली टैक्सेस ज़्यादा है ये मत मैं कहूँगा, और उसका जितना भी कॉस्ट बढ़ रहा है वो कॉस्ट प्रोडक्ट पर ही जा रहा है, और प्रोडक्ट के हिसाब से प्रोडक्ट महंगा होगा, दैट इज देयर, तो वो चीज़ तो है। सर आपने बहुत सही बोला, प्राइम मिनिस्टर का विजन, मतलब 2003-2010 का भारत और आज के भारत में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। रिसेंटली मैं इगतपुरी जा रहा था तो पूरा समृद्धि हाईवे बन रहा है, और जो स्पीड से काम हो रहा है, भिवंडी 8 लेन हाईवे कन्वर्ट हो रहा है, जो स्पीड से काम हो रहा है वो देख के समझ में नहीं आ रहा था कि हम कौन से भारत में रह रहे थे, वो सही था या मतलब वो उसमें कुछ इश्यूज थे, कि आज अचानक क्या हो गया जो सारे कॉन्ट्रैक्टर इतना स्पीड में काम कर रहे हैं। मतलब एक फ्लाईओवर को बनने के लिए 8-8 साल लगता था, अपन ने मुंबई में जो SCLR फ्लाईओवर है वो देखा है तो उसको बनने के लिए 8.5-9 साल लग गए थे, और यहाँ पे समृद्धि हाईवे मतलब 200 किलोमीटर का पूरा हाईवे, वो फेज़ 1 चालू हो गया, रिसेंटली फेज़ 2 चालू हो गया, तो ऑफकोर्स नया भारत तो देख ही रहे हैं थैंक्स टू प्राइम मिनिस्टर, राइट। इसका बेनिफिट आपको रियल इस्टेट में किस तरीके से दिख रहा है, और इसका बेनिफिट प्राइसिंग में होएगा, क्योंकि प्राइसेस अभी भी उतने बढ़े नहीं है जितने बढ़ने चाहिए विद इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ, और 2003 में जैसे आपने बोला कि वो प्राइस मूवमेंट का आपको फ़ायदा मिला, ठीक है आपका जो प्रोजेक्ट में, तो वो फ़ायदा आज कंज्यूमर को नहीं मिल रहा है, तो डू यू फोरसी कि वो आगे चल कर फ़ायदा मिलेगा? नहीं, ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर होने के हिसाब से कनेक्टिविटी इम्प्रूव हो गई, दैट इज वन। ट्रांसपोर्टेशन लोगों का आना जाना सब्सटेंशियल टाइम सेव हो रहा है, हालांकि कॉस्ट भले बढ़ता हुए टोल लग रहे हैं लेकिन सारी चीज़ हो रही है, लेकिन फिर भी यू एन्जॉय योर ट्रैवल ऑल्सो, जो पहले एक टाइम में नहीं था। और दूसरी बात यह है कि जब आपने प्राइस की बात कही तो आज प्रॉपर मुंबई से नवी मुंबई की कनेक्टिविटी इतनी इम्प्रूव हो गई है, तो लोग चाहेंगे चलो मैं आधा घंटा दूर ही जाता हूँ लेकिन एक अच्छी एटमोसफेयर मिलेंगी, अच्छा एनवायरनमेंट मिलवावर मिलेगा जहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड सिटी है। अब आपको मैं कहूँगा कि न्यू बॉम्बे जो है वो करीबन 400 स्क्वायर किलोमीटर में बना हुआ है, जो प्रॉपर मुंबई से भी थोड़े साइज में बड़ा है, एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ऑर्गेनाइज सिटी इन द वर्ल्ड मैं कहता हूँ। और डे बाय डे वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उन्होंने गवर्नमेंट ने जो आगे के विजन के हिसाब से बनाया है, जो ऑब्वियसली कुछ टाइम में शायद वो भी शॉर्ट वाल हो सकता है लेकिन फिर भी उन्होंने वेल प्लान्ड वे में किया है। मुंबई 3 लॉन्च हो गया अभी तो, मुंबई 3 भी लॉन्च हो रहा है, बिल्कुल सही बात है। और इसमें एक पिटफॉल भी कहीं कहीं हो रहा है जो गवर्नमेंट का अभी तक अटेंशन गया नहीं है, इफ़ टाइम विल परमिट तो मैं उस बात पर भी अपने कमेंट्स देना चाहूँगा, और ये बात PMO तक पहुँचे वो मैं उतना मैं कहना चाहूँगा। हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर PMAY स्कीम में जो गवर्नमेंट ने जो स्कीम बनाई है जिसमें वेजिटेबल वेंडर्स, ड्राइवर्स, घर में काम करने वाले हाउस होल्ड सर्वेंट्स या फ्रूट सेलर या फेरी वाले वगैरह जो हैं,
उनकी इनकम इतनी कम होती है कि समझो रोज का 1000 रुपया भी कमाते हैं तो महीने का 30,000 रुपया कमाते हैं और 30,000 का मतलब साल के 360,000 कमाएंगे, वो आदमी घर कैसे ले सकता है। तो गवर्नमेंट ने एक स्कीम बनाई भी आपके फ्लैट 45 मीटर से कम के हो गए उसकी वैल्यू सर्टेन 15 लाख या 14 लाख के अंदर हो गए तो उसके लिए गवर्नमेंट उनको 2,57,000 की सब्सिडी देते हैं अंडर PMLY स्कीम। करेक्ट। अब 2,57,000 जिसको 15 लाख का या 12 लाख का या 8 लाख का घर खरीदना है उसके लिए 2,57,000 बहुत बड़ी फिगर है। लेकिन हो क्या रहा है कि गवर्नमेंट के ही नॉर्म्स कुछ ऐसे हैं, मैं गवर्नमेंट का नॉर्म नहीं कहूँगा, मैं बैंकिंग इंडस्ट्री का नॉर्म कहूँगा, जिसके बारे में PMO को इंटरवीन करना चाहिए कि बेनिफिट जो है वो 2,57,000 की या 2 लाख और अमाउंट की जो पास ऑन हो रही है कस्टमर को, PM जो छोटे कस्टमर के लिए, तो वो बेनिफिट उनके पास में नहीं पहुंच रही है। तो आपका सवाल ये आएंगे फिर किसके पास में जा रही है। अब हो क्या रहा है कि आपका सब्जी वाला आपके घर में जो दूध का मिल्क सप्लायर है उसके पास में पैन कार्ड तो होगा नहीं, आधार कार्ड हो सकता है, पैन कार्ड नहीं, क्योंकि इनको उसको इनकम टैक्स देना नहीं है, इनकम टैक्स में एलिजिबल भी नहीं है। जब वो बैंक में लोन के लिए जाता है 2,50,000 रुपये गवर्नमेंट दे देंगी, 25-50,000 लाख 2 लाख रुपए वो अपने लगा देगा, 25-50,000 लाख 2 लाख वो अपने फ्रेंड से ले लेगा, फिर बाकी के 7-8 लाख तो उसको फिर भी कम पड़ेंगे, बैंक में जाएगा, बैंक कहेंगे पैन कार्ड आपके इनकम टैक्स की रिटर्न लाओ, वो इनकम टैक्स की रिटर्न कैसे भरेगा, उसका है ही नहीं इनकम टैक्स, इनकम टैक्स रिटर्न कैसे भरेगा, तो बैंक उसको डिस्क्वालीफाई कर देती है। तो फिर अल्टीमेटली होता क्या, उसको घर तो खरीदना है, कि अभी समय ऐसा आ गया कि अगर मेरे भी ड्राइवर के अगर बच्चे बड़े हैं तो उनके उसको मैरिज करनी है, तो झोपड़पट्टी में रहकर तो उसकी मैरिज होंगी नहीं उसके बच्चे की, तो उसको भले वो पनवेल जावे, भले पनवेल से थोड़ा और दूर से ले जावे, लेकिन उसको 10-12 लाख में फ्लैट मिल जाता है वो ले लेगा, दैट इज़ वन थिंग। लेकिन उसको होम लोन नहीं मिलेगा, जब लोन नहीं मिलेगा तो उसको फिर डेवलपर हम खुद कहेंगे आप NBFC को जाओ, तो दे विल गो टू NBFC, मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। NBFC क्या करती है कि उसको जहाँ पे 7% या 7.5% में बैंक देती है लोन, NBFC उसमें 5-6% ऐड कर देंगे, मतलब 13%। तो लेकिन उसको अल्टीमेटली लेना ही है, वो तो अपने विजुलाइज नहीं करता कि 13% क्या होता है क्या नहीं होता है, तो 13% के हिसाब से उसको लोन दे देंगे। तो जो गवर्नमेंट ने उसको सब्सिडी दी है उस सब्सिडी से कई ज़्यादा पैसा वो 15-25 साल के लोन में NBFC को देंगे, तो NBFC की ग्रोथ हो रही है, NBFC मोटी हो रही है, आई विल पुट इट डेट वे, और लोन उसको मिल जाती है, लेकिन उसकी सब्सिडी का फ़ायदा वो ले रहे हैं। अब सवाल ये आता है यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि भाई ले रहे हैं तो उसमें दिक्कत क्या है, तो सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि भाई बैंक उसको क्यों नहीं लोन दे रही है, क्योंकि उनको रिस्क लग रही है कि उसका इनकम टैक्स पेयर नहीं है, उनके नॉर्म से इनकम टैक्स पेयर होना चाहिए, रेशन कार्ड होना चाहिए और पैन कार्ड अपना आधार कार्ड होना चाहिए, चलो रेशन कार्ड उसका होगा भी, पैन कार्ड भी होगा, पैन कार्ड नहीं होगा तो उसको लोन तो नहीं मिलती है। लेकिन फिर NBFC क्या करती है, उसका पर्सनल इंश्योरेंस निकालती है, तो इन केस ऑफ एनी इवेंचुअलिटी एट एनी गिवन टाइम उनको तो उस घर के पैसे जो है इंश्योरेंस से मिल जाते हैं, जो बैंक भी कर सकती है आइडियली, जो बैंक कर सकती है, और बैंक जब नहीं करती है तो अल्टीमेटली बैंक NBFC फंडिंग बैंक से लेती है और 5% अपने ऐड करके उससे ले लेती है, तो जो PMI ने जो बेनिफिट दिया है दैट इज वाइप्ड ऑफ, नॉट ओनली वाइप्ड ऑफ, दे हैव पेड इवन मोर, मच मोर हायर। तो इस स्कीम के बारे में हालांकि हमने अपने इंडस्ट्री के थ्रू गवर्नमेंट को लिखा भी है, अलग अलग फोरम में डिस्कस भी किया है, लेकिन अभी तक जहाँ तक मेरा ख्याल है शायद हो सकता है कि अभी जो करंट इलेक्शन होने वाले 2024 के उसमें गवर्नमेंट का ध्यान इस तरफ जाएगा और बैंकों को डायरेक्शन दिया जाएगा कि आपको सर्टेन चीज़ों में रिलैक्सेशन रखना होगा, क्योंकि आपके दूध वाले के पास में, आपके सब्जी वाले के पास में, आपके घर में काम करने वाले जो भाई है उसके पास में कोई इनकम टैक्स, शी नॉट इनकम टैक्स पेयर, शी डू नॉट नो कि इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करना है, तो दीज आर द थिंग्स, तो इंश्योरेंस तो वो भी ले सकते हैं। सो ऑल माई व्यूअर्स एंड ऑल्सो टू ऑल रियल इस्टेट डेवलपर्स, मिस्टर मदन जैन इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद क्रेडा MCHI, तो अगर आप लोगों को कोई भी ऐसी तकलीफ है जहाँ पे आप गवर्नमेंट से कुछ रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, प्लीज़ रीच आउट टू हिम डायरेक्टली। एंड एज एन एसोसिएशन क्रेडा MCHI इज नेशनल लेवल एसोसिएशन, तो एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिल जाता है फॉर ऑल रियल इस्टेट डेवलपर टू हैव देयर इशू रिजॉल्व विद द गवर्नमेंट, एंड थैंक यू सो मच। एक बात मैं और ऐड करूँगा कि रियल इस्टेट इंडस्ट्री जो इंडिया की आफ्टर एग्रीकल्चर इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर ऑफ द कंट्री लेबर के हिसाब से, लेकिन इसको इंडस्ट्री का रिकग्नेशन अभी तक भी नहीं दिया हुआ है।
इंडस्ट्री रिकॉग्नाइज नहीं होने के हिसाब से बैंकों से जो कंस्ट्रक्शन फंडिंग लेनी होती है तो बैंक 80% ऑफ द केसेस में फॉर सम और अदर रीजन आगे नहीं बढ़ती है जो तो डेवलपर को भी NBFC के पास जाना पड़ता है। तो NBFC जो एडिशनल चार्ज करेंगी वो अल्टीमेटली प्रोजेक्ट के कॉस्ट के ऊपर बढ़ेगा और प्रोजेक्ट का कॉस्ट बढ़ेगा तो कंज्यूमर का फ्लैट का कॉस्ट महंगा होगा। इस चीज़ को भी गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए एंड दे शुड गिव द इंडस्ट्री स्टेटस। इंडस्ट्री जिसे कहते हैं इफ़ द इंडस्ट्री इज एम्प्लॉइंग द सेकेंड हाइएस्ट नंबर ऑफ लेबर और इसके कनेक्टेड करीबन 250 इंडस्ट्रीज ऐसी है जो सपोर्ट इंडस्ट्रीज है। करेक्ट करेक्ट। तो इतने बड़े पैमाने पे जब हम लेबर को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं तो वैसे केस में गवर्नमेंट को इंडस्ट्री का इशारा तुरंत देना चाहिए जो हमारी लॉन्ग पेंडिंग डिमांड भी है। आई होप समवन फ्रॉम द इंडस्ट्री एंड समवन फ्रॉम द गवर्नमेंट वुड बी लिसनिंग और ये रिक्वेस्ट जो है वो पूरी आई एम श्योर क्रेडा MCHI वुड बी फाइटिंग एज एन एसोसिएशन ऑल्सो और प्रॉब्ली रिक्वेस्टिंग टू द गवर्नमेंट एज एन एसोसिएशन ऑल्सो। तो आज का एपिसोड हम यहाँ पे ही एंड करते हैं एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लुक आउट फॉर न्यू वीडियो दैट वुड बी कमिंग सून।